हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुष पर सब लोग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ईश्वर करे आप सभी ऐसे ही अच्छे रहें, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। दोस्तों, आप सबकी कृपा और आशीर्वाद से हम भी ठीक हैं। और दोस्तों, आप सभी को दिखाया था जो कल हमने ब्लाउज कट किया था, तो दोस्तों कट करके ही रख दिया था, उसको बनाया नहीं था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था और दोपहर लगभग 3-4 बजने वाला था, तो मुझे नींद आ गई थी, तो मैं उस टाइम सो गई थी, तो उसको नहीं बना पाई थी। दोस्तों, आज बनाएंगे उस ब्लाउज को, तो आप सभी को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरी बाबू इधर कुछ कहना चाहती है, बोलो बाबू। अब बोल दो, क्या बोल रहे थे बाबू? हमारी कुछ बोलेगी, आप सभी से बात करेगी, बोलो बोलो। इधर हमारी बाबू बैठी है, गुस्सा हो गई है दोस्तों, देख सकते हैं। और और दोस्तों, हम सारा काम है जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, सारा काम कर लिया है हमने, खाना बना के और सब खा पी भी लिए। और आयुष जो कि स्कूल से आया था, इसका पेपर था, तो ये अभी आया है स्कूल से। दोस्तों, अभी ये खाना खा रहा है यहाँ पर बैठ कर, आप सभी को दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये खाना खा रहा है। देखो, पापा सो रहे हैं। और वर्षा के पापा सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो सो रहे हैं। और यहाँ हम लोग जो कि ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो अब ब्लॉग बनाएंगे। और दोस्तों, अपना घर का काम जो होता है वो करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपना सिलाई करने, जो मैंने कल ब्लॉग कर किया था। तो दोस्तों, चलते हैं मशीन की तरफ, आप सभी को भी दिखाएंगे कि हम ब्लाउज कैसे सिलते हैं। और दोस्तों, बेल्ट वाला ब्लाउज जो कि कट किया था कल, लेकिन कल जो मैंने कट किया था उसको सिंपल सा मैंने कट करके रख दिया था, पूरा कटिंग उसमें नहीं किया था। तो इसमें साथ में बनाते भी जाएंगे, और जो कटिंग करने को बचा था वो साथ में कटिंग भी करके जाएंगे, बनाएंगे। तो आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हमारे ऐसे ही बने रहिए। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और सपोर्ट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने का हौसला भी बढ़ता है। तो दोस्तों, इधर बाबू कुछ कह रहा है, बोलो बोलो बोलो। हमारी मम्मी को सपोर्ट करना, हमारी मम्मी को सपोर्ट कर देना। हाँ दोस्तों, कल आज भी। तो दोस्तों, चलते हैं मशीन की तरफ, अभी आप सभी को दिखाएंगे। और जो कि मशीन है हमारी बाहर रखी हुई है, तो उसको पहले हम अंदर रूम में रखते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो अंदर रखेंगे, यहीं पे सिलेंगे अभी बैठ के। तो आप सभी को दिखाएंगे कैसे सिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कपड़े को जो कि पूरा फैला लिया है यहाँ पे, और यहाँ पिन से इसको सिक्योर कर देंगे, क्योंकि पिन से इसको अटैच करने से इसका जो कि सिलवट वगैरह कुछ नहीं आती इसमें। और दोस्तों, आपके पास अगर पिन ना हो तो आप सिलाई से भी इसे कच्चा कर सकते हो चारों तरफ से, पर इससे ये होता है कि इसमें धागा भी बच जाता है, और दोस्तों आसानी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिलाई से भी जल्दी हो जाता है इसमें ऐसे करने से। और आप लोग देख सकते हैं जो कि बीच का हमने एक सिलाई जो कर लिया है, बीचों बीच जो सिलाई डालते हैं। और इसमें जो मैंने कल ड्रॉ किया था गले का पूरा, तो उसको हल्का हल्का दिख रहा था, तो उसको और ज़्यादा डार्क करने के बाद और उसको मैंने गले को एकदम गोल एकदम कट कर लिया बढ़िया से, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद अभी इसमें जो कि प्लेट्स डालेंगे, जो कि बैक पार्ट में जो दो प्लेट्स पड़ती हैं, आप लोग देख सकते हैं गला हमारा कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट कटा है। तो इसमें प्लेट्स डालेंगे, तो उसके लिए पहले हम इसमें फोल्ड कर लेते हैं। और दोस्तों, सारा मार्किंग जो था वो मैंने कल ही कर दिया था इसमें, और दोस्तों आज तो सिर्फ सिलना था, तो इसमें हमने ये मार्किंग कर दिया है। और मार्किंग करने के उसी मार्किंग पे दोस्तों सिलाई कर रहे हैं, जो कि मार्क हमने पहले कल कर दिया था उस पे। दोस्तों देख सकते हैं दोनों जो कि डार्ट जो होती हैं प्लेट्स, वो मैंने डाल दी। और प्लेट्स डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो कि ये कि येलो कलर का है, तो कम दिख रहा है, लेकिन दोस्तों हल्का हल्का दिख रहा है अभी, आप देख सकते हैं। और इधर बच्चे भी बार बार आ रहे थे, और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, वो बैक पार्ट था, ये दोस्तों फ्रंट पार्ट है। और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ जो कि मुड्ढे हैं शोल्डर, इसमें सिलाई मैंने चारों तरफ ही कर ली, और इसको पिन से आप अटैच कर सकते हैं। आपके पास अगर पिन ना हो तो
हमने इसको सिलाई कर दिया था, उसको पिन से अटैच किया था बैक पार्ट को, लेकिन फ्रंट को मैंने सिलाई से अटैच किया। तो आप लोगों को दोनों तरह से दिखाया कि आप दोनों तरह से अस्तर वाले ब्लाउज को ऐसे अटैच करके बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट पे मैंने गले को कट नहीं किया था, तो यहाँ पे हम गले को कट कर रहे हैं, जो कि 6 इंच मैंने गला लिया था, 3 इंच इसका जो था राउंड का ले लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे जो बेल्ट है उसको भी कट कर दे रहे हैं, जो कि मैंने 12 इंच पे इसको लिया है। और इधर से दोस्तों देख सकते हैं जो राउंड है वो ऊपर से 1 इंच लेते हुए ऐसे ही मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। और इसी पे दोस्तों हम इसको कट कर रहे हैं, और इसको देख सकते हैं ये ऐसे दोस्तों फिनिशिंग के साथ कट जाता है। और यहाँ पे मेरा कपड़ा जो उड़ रहा था गले का, तो उसमें मैंने इसको पिन से अटैच कर दिया। अब दोस्तों अब देख सकते हैं अब ये अच्छे से कट जा रहा है, और इसमें ऐसे झूल भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे उड़ता तो आगे पीछे इसमें झूल आ जाता। और दोस्तों यहाँ पे बैक पार्ट है जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले 10 इंच पे हम एक जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है उस पर हम निशान लगा देते हैं सेंटर पॉइंट में। और इसके बाद जो कि प्लेट्स पड़ेंगी 4 प्लेट्स, उसका हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक मार्क कर दिया है, और इसी से 1.5 इंच पे तीनों डॉट वो भी लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेट्स का जो है मैंने 1.5 इंच पे इसको, और फिर 1.5 इंच इधर ही इधर भी ले लिया मैंने। और ये आप लोग देख सकते हैं ये भी 1.5 इंच ही हमने लिया है। और वैसे आप लोग अंदाजे से जो कोई जो तो पुराने टेलर हो तो अंदाज से ही लगा देते हैं, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं 1.5 इंच पे आराम से आप इसको मार्क करके, और उसके बाद आप जो दूसरा वाला पार्ट था इसी के ऊपर रख के उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही जल्दी हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं दोनों को हल्के हल्के से दिख रहा था, तो इसी के ऊपर हम ऐसे डार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे जल्दी भी हो गया। और इसके बाद इस सारी प्लेट्स को हम बना लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्लेट्स को साथ में बनाती जा रही थी, और इसमें धागा टूट गया था, तो फिर मैं दोबारा से इसको डाल लेती हूँ। और डालने के बाद इसमें फिर कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों देख सकते हैं सारी प्लेट्स हम ऐसे ही डालेंगे एक एक, और दोनों एक साथ ही तैयार कर रहे थे फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके नहीं कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी कोई दूसरे कोई होते हैं जो कि एक 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 कंप्लीट करने के बाद दूसरा कंप्लीट करते, हम एक ही साथ दोनों को कंप्लीट करते जा रहे थे। ये देख सकते हैं दोस्तों एक एक प्लेट्स डालते हुए ऐसे, और ये जो प्लेट्स है एकदम पतली पतली डालनी है, सिर्फ एक ही प्लेट्स होती है जो कि थोड़ी सी मोटी सी लगाते हैं, उससे शेप अच्छा आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम प्लेट्स बनाते जा रहे थे, और आज तो दोस्तों मशीन में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा था कि बार बार ये धागा खींच रही थी अंदर, और काफ़ी दिन हो गए इसमें। और यहाँ पे मैंने इस मशीन में तेल वगैरह जो कि नहीं डाला था, तो इस वजह से और ज़्यादा ये खींच रहा था अंदर के लिए धागा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक में तो डार्ट्स लगा दिया था जो कि प्लेट्स होती हैं, और दूसरी को अब हम इसको भी तैयार कर रहे थे ऐसे ही। और इसको भी तैयार करने के बाद अभी आप सभी को दिखाएँगे, और सेम प्रोसेस वही है जो कि प्लेट्स वही डालते हैं, जैसे उसमें डाला ऐसे इसमें ही सेम प्लेट्स लगा लेंगे। तो हम पहले प्लेट्स लगा लेते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। और दोस्तों मैंने प्लेट्स को तो लगा लिया था, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी कट कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने दोनों फ्रंट पार्ट की प्लेट्स को लगा लिया। अब इसमें हम बेल्ट को अटैच करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं हम बेल्ट को अटैच कर रहे हैं। और बेल्ट को दोस्तों ज़्यादा खींचना नहीं, क्योंकि खींचने से आपका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कितने आराम से इसको अटैच कर दिया इसमें, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब दूसरे को भी ऐसे ही अटैच कर लेते हैं यहाँ पर, और दोस्तों ऐसे ही। और दोस्तों एकदम इसको आराम आराम से सिलना है, क्योंकि जो कि अस्तर वाला ब्लाउज है, अगर आप ऐसे खींच के सिल देंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा।
और इसमें ऊपर में भी एक एक, एक सिलाई दोनों में डाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक में तो डाल लिया, अब दूसरे में भी डाल रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं दोस्तों। और इसका जो बाद में जो कपड़ा निकला है, एक्स्ट्रा कपड़ा उस बेल्ट में निकला है जो, उसको हम कट कर लेंगे, अभी कट कर दिखाएंगे आप सभी को। ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, ये प्लेट बनाई थी तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा बढ़ गया था, तो अब हम इसको भी कट कर लेते हैं साथ में ही। और देख सकते हैं अब इसमें हम लगाएंगे आई और हुक की जो पट्टी होती है उसको हम लगाएंगे। तो ये हमारा है अस्तर, इसमें हम पहले हुक वाली पट्टी को लगा अटैच करेंगे। ये हुक की पट्टी है, और ये देख सकते हैं दोस्तों जो कि बैक पार्ट में जो हमने गले को कट किया था उसी से हम इसमें आई पट्टी के लिए कपड़ा निकालेंगे। देख सकते हैं इतना बड़ा था कि इसमें आई पट्टी आराम से निकल रहा था, तो हम इसी से निकालेंगे। ये देख सकते हैं फोल्ड करके इसको पहले फोल्ड कर लेते हैं, और इसमें एक निशान सा बीच में लगा देते हैं, इससे शेप अच्छा आ जाएगा और आपका बीच में झूल भी नहीं आएगा। तो इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं, क्योंकि गोल गले में थोड़ा सा राउंड सा शेप आ रहा था, इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद अब इसको हम अटैच करेंगे, देख सकते हैं। अब हम इसको ब्लाउज में लगाएंगे, और ब्लाउज में इसको लगाने के बाद आप सभी को दिखाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सिलाई इसमें डाल दी है, और सिलाई डालने के बाद अब इसको फोल्ड करके फ्रंट की तरफ इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मेरी फिनिशिंग के साथ सिलाई कंप्लीट हो चुकी है हाई पट्टी की, अब हम हुक वाली भी लगाएंगे ऐसे ही। तो ये देख सकते हैं मैंने ये 2.5 इंच का कपड़ा ले लिया है, और ये लगभग 9 इंच का कपड़ा था, तो इसको हम हुक पट्टी में अटैच करेंगे हुक वाले पार्ट में। ये देख सकते हैं हुक लगाने के लिए, और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई डाल लेंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है दोस्तों सिलाई लगाने से ऐसे। और फोल्ड करके अब हम इसको सिल देंगे, तो अभी हम सिल लेते हैं, उसके बाद आप दिखाते। तो ये देख सकते हैं हमारे दोस्तों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको शोल्डर में अटैच करेंगे, और ये देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रखकर इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो इसमें पिंस लगी थी, उनको पिंस को भी निकालते जाएंगे साथ में, और इसके बाद इसको अटैच करते जाएंगे। और दोस्तों देख सकते हैं अब ये हमारी स्लीव, जो कि स्लीव को हमने सादा सिंपल सीधे से कपड़ा कट कर लिया था, और मुझे 3.5 इंच की जो कि स्लीव बनानी थी, तो मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया था लगभग 5-6 इंच का था, तो इसको मैंने पहले एक तरफ से सिलाई कर लिया इसको। सिलाई करने के बाद अब इसमें देख सकते हैं 5.5 जो का हमारा राउंड शेप था बाजू का, और 4 इंच हमने इसको रखा था, तो बीच में से आप इंची टेप को फोल्ड करके 2 इंच पे ऐसे रख के बीच से ये मार बाजू आप काटेंगे, और यहाँ पे दोस्तों ऐसे फिनिशिंग के साथ ही ये बाजू हमारी ऐसे कट जाती है। तो आप सभी को दिखाते हैं, देख सकते हैं हमारी इसका जो राउंड है ये डार्क कितना अच्छा एकदम शेप आया है ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें अभी आप सभी को दिखाएंगे काट के बाजू, पहले कट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरी फिनिशिंग के साथ स्लीव जो है जो बाजू हमारी कट के तैयार हो गई है, और इसमें जो अभी लेस है उसको अटैच करेंगे। आप उल्टा सीधा देख लेना, देखने के बाद अब इसको अटैच करेंगे। तो आप सभी को दिखाते हैं पहले इसको, इसमें पहले कच्ची सिलाई डाल लेते हैं ताकि आगे पीछे ना हो और इसमें कोई झोल या सलवट ना आए। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आप हाथ रखते हुए इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ इसमें सिलाई। और सिलाई डालने के बाद अभी आप सभी को दिखाऊंगी, पहले इसकी किनारी पे सारी में सिलाई डाल लेते हैं, क्योंकि इससे झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी, और आपकी बाजू है जो कि परफेक्ट लगेगी। और इसमें दूसरी में भी अभी हम डाल लेते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों।
अब दोनों बाजुओं को मैंने किनारे पे जो कि कच्ची कर ली है कच्ची सिलाई, अब इसमें हम जो कि लेस हमारा था उसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे अटैच करने का एकदम सिंपल तरीका है, दोनों ऐसे बाजू को फोल्ड करके रखने से ऐसे नाप के आप आराम से अपना जो कि लेस है लगा सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जितना फोल्ड के लिए किया उससे थोड़ा सा ऊपर करके और इसमें अब हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने का वही प्रोसेस है, एकदम किनारे पे सिलाई लगाना है दोस्तों, और किनारे किनारे पे आराम से सिलाई लगाते जाओ, खींच के नहीं लगाना क्योंकि लेस भी थोड़ी ऐसी खींचने वाली है, क्योंकि इसमें ये देख सकते हैं बीच बीच में इसमें धागा अंदर मशीन जो कि सुई अंदर कर दे रही थी इसमें, ऐसे ये थोड़ी सी लेस भी कम अच्छी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम हम आराम से लगा रहे हैं, तो ऐसे आप सभी आप भी लगाइएगा आराम से। ये देख सकते हैं थोड़ा सा निकल रहा था इसमें लेस का, तो उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है यहाँ पे, और ऐसे ही दूसरी स्लीप को भी लगाएंगे। और लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब इसको हम अपनी ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है शोल्डर का और बाजू का, तो उसको बीचों बीच शोल्डर पे रख देंगे बीच में सेंटर पॉइंट के। और इसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको वैसे नहीं लगाना आ रहा है तो आप ऐसे सेंटर पॉइंट में ऐसे रखने के बाद ऐसे आराम से आप कपड़े को ऐसे घुमाते हुए एकदम आराम से इसको मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद फिर आप किनारे से सिलाई करिएगा। तो ये देख सकते हैं हमारी बाजू है जो कि परफेक्ट एकदम आ रही है, और ऐसे जैसे मैंने आप सभी को बाजू बताया ऐसे एकदम परफेक्ट बाजू बनता है। तो दोस्तों आप सभी ऐसे ही बनाइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिलाई डाल लेती हूँ, और सिलाई डालने का एक प्रोसेस ये भी है कि आप खींच के कभी मत लगाइएगा बाजू को, क्योंकि खींचने से कपड़ा भी खींच जाता है और बाजू जो कि ब्लाउज की फिनिशिंग है वो भी अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आराम से इसको लगाते जा रही थी और यहाँ पर मैं सिलते भी जा रही थी इसको साथ ही साथ, और सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए इसको मैं सिल लूँगी। तो दोस्तों ऐसे हमारे वीडियो में बने रहिएगा। हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने का हौसला भी मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने कट करके निकाल दिया, अब हम इसकी जो कि हमारे जो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले इसे हम नाप लेते हैं। तो हमारा जो जो कि चेस्ट हमारा था 36, तो उसका हमने ले लिया 9, और बाजू हमारी 5.5 थी 11, तो उसको भी हमने ऐसे नाप लिया। और नाप लेने के बाद इसकी हम सिलाई करते हैं यहाँ पे, और इसको पिन से अटैच कर दिया था ताकि आगे पीछे कपड़ा बिल्कुल भी ना हो और आराम से इसमें फिटिंग की सिलाई लग जाए। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नाप लिया, और नाप लेने के बाद इसमें हम सिलाई लगा रहे हैं। तो दोस्तों सिलाई लगा लेते हैं, इसके बाद आप सभी से दोबारा मिलते हैं। और दोस्तों प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी मन करे वीडियो बनाने का, आप सभी को अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश में रहूं। और दोस्तों इधर हमारा जो कि गले का पट्टी था उसको अब लगा रहे हैं फिटिंग करने के बाद। और यहाँ पे जो गले में पट्टी लगाई जाती है और ये भी पट्टी, उसको मैंने और ये भी पट्टी कट कर लिया था कट करने के बाद, और उसको अटैच करने के बाद अब इसमें हम लगा रहे हैं। और जो कि वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो गया था इस वजह से उसको हम नहीं दिखा पाए, तो इसके लिए आप सभी से सॉरी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको अटैच कर ले रही हूँ, और अटैच करने के बाद आप सभी को अभी दिखाती हूँ फिनिशिंग ब्लाउज की किस तरीके से आई है। और दोस्तों इसको खींचना नहीं है, बहुत ही आराम आराम से लगाना है, जो कि नहीं तो गले में सिलवट आ जाएंगे तो वो ब्लाउज की फिनिशिंग है जो कि ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैं फोल्ड करके लगा ले रही हूँ सारे में, जो कि इसमें सिलाई डालते हैं उसको सिलाई डालने के बाद इसको फोल्ड करना है अभी सिलाई, देख सकते हैं दोस्तों। अभी आप सभी को दिखाती हूँ कि हमारा ब्लाउज किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। देख सकते हैं ये हमारा ब्लाउज बनके हो गया रेडी, और इसमें पाइपिंग वगैरह लगा के पूरा कंप्लीट कर लिया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए वो कितना परफेक्ट बना है, आप लोग देख सकते हैं। बस इसमें डोरी नहीं लगा अभी, और बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और डोरी दोस्तों हम बाद में लगाएंगे जब तक।
बाय करेंगे जब भी डोरी इसमें अटैच करेंगे। तो दोस्तों आज ये हमारा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आज का ब्लॉग यहीं